राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने राजस्थान के उदयपुर में हुई मृतक कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा। उस दौरान जॉर्ज टाउन स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की गई, यह बेहद शर्मनाक की बात है, हिंदू संगठनों को इस पर जागना चाहिए। उस दौरान यह भी कहा गया कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सभी जिलों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता राजस्थान जाकर प्रदर्शन करेंगे एवं विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदर्शन एवं घेराव के माध्यम से हत्या करने वाले आरोपियों को फास्ट ट्रैक के तहत जल्द सुनवाई कर फांसी की सजा दिलाने की मांग की जाएगी। इस घटना से समस्त सनातन समाज पूरी बहुत ही आक्रोशित है और ऐसी कायराना हरकत करने वालों के प्रति मन में गहरा रोष है और समाज नहीं चाहता कि ये जो एक बड़ी हमारी सनातन समाज क्रोध में ना आवे। इस चीज़ का ध्यान देना अन्य लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये घटनाएं दोबारा स्वीकार नहीं की जाएंगी और उसका प्रतिकार फिर बहुत कष्टदायी होगा। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। आप जूना अखाड़े दिल्ली है, सबसे बड़ा अखाड़ा है, अखाड़े किस तरह से अगर नहीं होती समझे क्या करना? निश्चित ही अगर लोग नहीं ध्यान देंगे और संपूर्ण सनातन समाज को जागृत करना, क्योंकि शासन प्रशासन कहीं भी हर व्यक्ति किसी की सुरक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा स्वयं करने की योग्य होना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार से जिस प्रकार से अग्निपथ योजना आई है, ये ऐसे ही लोग आज अग्निपथ योजना पूरी तरह से सार्थक दिखाई देती है कि हर व्यक्ति ऐसे कायर लोगों से जूझने के लिए तैयार रहे। जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबाना तरीके से नृशंस हत्या हुई है, उस हत्या में सिर्फ राष्ट्रीय हिंदू संगठन ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का हिंदू आंदोलित है और उग्र है, और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस उग्रता को संभालें। उसी के निमित्त राष्ट्रीय हिंदू संगठन प्रशासन को आगाह करने के लिए कुछ मांगे करने, साथ में उस परिवार की आर्थिक रूप से विधिक रूप से मदद करने के लिए राजस्थान पहुँच रहा है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के देश भर के पदाधिकारी अपनी अपनी टीमों के साथ हजारों की संख्या में राजस्थान पहुंच रहे हैं 3 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। क्या मदद करेंगे? क्या राष्ट्रीय हिंदू संगठन अभी वर्तमान में आर्थिक स्थिति के तौर पर 1 लाख रुपए का चेक लेकर जा रहा है। विधिक उनकी पूरी मदद की जाएगी, उनके परिवार की, साथ ही वहाँ के प्रशासन से फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की जाती है कि क्योंकि देखिए संविधान अगर नॉर्मल फ्रेम में ये प्रक्रिया चलेगी तो ये लंबी चलेगी, और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके तत्काल इस पर निर्णय लिया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए, ऐसी मांग करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में जिहादियों द्वारा नृशंस हत्या की गई कन्हैयालाल जी को अस्पूरित श्रद्धांजलि व्यक्त किए हैं और प्रेस वार्ता के माध्यम से राजस्थान की सरकार को इन जिहादियों को आगाह करने का राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है कि अगर 15 दिनों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोनों जिहादियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती तो हम विगत 15 दिनों के बाद राजस्थान विधानसभा का घेराव करके और उस विधानसभा के घेराव के बाद राजस्थान की सरकार को आगाह करें कि अगर ऐसे कृत नहीं करती है तो हम लोग स्वयं तलवारें उठाने कार्य करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के संपूर्ण देश के हिंदू सैनिक तलवारें उठा करके अपना बदला लेने का कार्य करेंगे। यह राष्ट्रीय हिंदू संगठन के समस्त हिंदू सैनिक अपना दायित्व जानते हैं।